नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्रीय चैनल पर। चलिए सबसे पहले आपको HIG यानी कि हायर एंड ग्लोबल की एक PDF है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी देता हूँ, ठीक है। HIG जो कंपनी है वो रियल है, फेक है, वैलिड है, नहीं है, सही में काम देती है नहीं देती, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिव्यूज इंटरनेट पर अवेलेबल है। बहुत सारे हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका कहना है कि हाँ सर, उन्होंने पेमेंट देती है, ज्वाइन करते हैं, काम भी कर रहे हैं कई कई महीनों से, ऐसे कमेंट हमारे पास भी आए, और बहुत सारे YouTube में आपको नेगेटिव रिव्यू भी मिलेंगे। तो क्या है वो कंपनी, उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार वीडियो, आपको जानकारी पूरी लग जाएगी। सबसे पहले ये है HIG हायर एंड ग्लोबल की एक ईबुक है, ईबुक टाइपिंग प्रोजेक्ट उसका PDF है जो एक स्टूडेंट ने हमको भेजा है, और ये PDF जो है उनको HIG की तरफ से भेजा गया, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, यहां पर आप देखोगे हायर एंड ग्लोबल ईबुक टाइपिंग प्रोजेक्ट डिटेल ऑफ ईबुक प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट। यहां पर सबसे पहले शेड्यूल दिया है भाई साहब, रिक्रूटमेंट 2024-06। अभी 2024 के बाद 06 मुझे समझ में नहीं आया, या तो ये टाइपिंग वाली जो कंपनी है उनकी टाइपिंग मिस्टेक है कि यहां पर या तो 24 से 26 होना चाहिए, 06 यहां पर सही समझ में आ नहीं रहा है, तो वो छोड़ो उस बात पे अपन नहीं जाते। अप्लाई बिटवीन जो हो रहा है अभी 2 तारीख से 16 अगस्त के बीच में 2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1000 केवल, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है टाइपिस्ट की वो केवल 1000 है, इस बात का ध्यान रखना है। 1000 के बाद जो भी आवेदन करेंगे उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके आवेदन नहीं लिए जाएंगे, ठीक। एग्जाम डेट विद इन 3 डेज ऑफ अप्लाइंग फॉर एग्जाम बिफोर 29/8/2024 रिजल्ट आ जाएगा, और वेबसाइट लॉगिन के लिए एलोकेट किया जाएगा आपको नेक्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट, ठीक। इसके बाद फुल मेरिट लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बन जाएगी 29 तारीख को, और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आपको अलॉट कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे ऑफ रिजल्ट। ये तो हो गई पूरी इनका शेड्यूल। शेड्यूल के बाद देखो रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन कोटा यहां पर भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्यूटर में है तो 25% आपको कोटा है। टाइपिंग एग्जाम अगर आप देते हैं, टाइपिंग एग्जाम अगर आप देते हैं तो 65% उनका है कोटा यहां पर, और टाइपिंग एग्जाम नॉन इंडियन अगर देते हैं तो 10% उनका है, ठीक। अब यहां पर कई लोगों को डाउट ये भी रहता है कि भाई कैसे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, वो भी समझ लो। विदाउट एग्जाम यहां पर समझना, विदाउट एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना आवश्यक है, तब आपका बिना एग्जाम के होगा। अगर आप के पास पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं है कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो उसके लिए आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, 80% एक्यूरेसी कम से कम उसमें होनी चाहिए। 11 मंथ का फिर आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आपको दिए जाएंगे प्रोजेक्ट में अनलिमिटेड पेज, मिनिमम 20 पेज पर वीक आपको करना है जो भी इनका फिर है, लेकिन यहां पर एग्जाम आपको देना पड़ेगा विथ एग्जाम। ये अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट भी जमा करते हैं तब भी आपका एग्जाम यहां पर आपको देना पड़ेगा, और एग्जाम में एग्जाम फीस आपकी जो भी है वो लगेगी, ठीक है। अब उसके बारे में भी ज्यादा चर्चा नहीं, ये तो हो गई डिटेल। अब दूसरी बात समझो, यहां पर दूसरी बात ये कि भैया हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन, ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, साथ में ये है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, और MSME के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो संस्था रजिस्टर है। अब संस्था के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों ने कोर्स किया हुआ है हमारे यहाँ से, तो उनके वेरिफिकेशन लेटर संस्था में आते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं संस्था के बारे में कहूँ कि कई लोग आते हैं अभी भी पूछते हैं ऑनलाइन में जाके कि सर क्या आपकी संस्था वैलिड है, क्या आपकी संस्था का सर्टिफिकेट यहाँ चल जाएगा वहां चल जाएगा, तो भाई साहब संस्था रजिस्टर्ड है, संस्था का कोई डाउट नहीं है। डाउट किस बात पे आता है, डाउट ये आता है अगर मान लो कोई वैकेंसी है, उस वैकेंसी में आपसे पूछा गया है, आपसे मांगा गया कि भैया आप 12वीं के आधार पर इस वैकेंसी पे आपकी भर्ती होनी है, आपको 12वीं का सर्टिफिकेट लगाना है, और आप वहां पर 10वीं का सर्टिफिकेट लगा के जाएंगे तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर किसी वैकेंसी में मांगा गया है UGC से मान्यता प्राप्त किसी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको लगाना है और आप इंस्टीट्यूट लेवल का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वहां पर वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म है, इसका मतलब ये कि आप गलत वैकेंसी में वो सर्टिफिकेट लगा रहे हो। UGC का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब अगर आप बड़े स्तर का कोई वैकेंसी का सर्टिफिकेट मांगा गया है यूनिवर्सिटी लेवल का, हमारी संस्था इंस्टीट्यूट लेवल पर रजिस्टर्ड है,
ठीक है, मतलब अभी हम सबसे पहले स्टेप पर है, पहले चरण पर है। तो अगर किसी वैकेंसी में मांगा जाता है कि भाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए है या किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट चाहिए है, तो वहां पर हमारी संस्था का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जीडीएस में वैलिड है, जीडीएस में जैसे मांगा जाता था कि भाई आप किसी रजिस्टर्ड संस्था से 60 डेज या 90 डेज का कोर्स करें, तो वो वहां पर मान्यता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई जगह पर स्टूडेंट ने यूज किया है, वहां पर मान्यता है। तो रजिस्टर्ड है, प्रॉपर प्रोसेस है, उसके माध्यम से आप सर्टिफिकेट जो लेते हैं वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, उसका कोई इशू नहीं है। अब अगली बात ये है, HIG के बारे में अगर हम बात करें तो HIG एक प्राइवेट कंपनी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, HIG जो है एक प्राइवेट कंपनी है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले किया हुआ था कोर्स, उन्होंने जब ज्वाइन किया HIG के लिए अप्लाई किया तो उनको कोड मिल गया, ठीक है, उनको कोड मिल गया। उन्होंने कहा मुझसे कि सर हमको कोड मिल गया, हम काम भी कर रहे हैं, हमको टाइपिंग से रिलेटेड वर्क दे दिया उन्होंने, हम काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी उन लोगों ने दी स्टूडेंट ने, मतलब उनको जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया उसके माध्यम से काम मिला। वहीं उसके 10 दिन बाद कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि सर ये सर्टिफिकेट जब हम लगा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा सर्टिफिकेट लेके आइए। प्राइवेट कंपनी का मतलब कि उनको अगर वो लेना चाहे तो वो लेंगे, अगर उनको नहीं लेना है तो वो नहीं लेंगे, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर। वो प्राइवेट कंपनी है, वो डिसीजन ले सकती है, उनका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि नहीं। उन्होंने तो CPCT के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। CPCT का आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है CPCT का, उसको उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसका मतलब ये कि भाई आप ये गारंटी लेके मत जाओ कि जो भी सर्टिफिकेट आप यूज करोगे तो वो कंपनी ले ही लेगी, क्योंकि वो कंपनी है प्राइवेट, और प्राइवेट होने के कारण वो उनकी उनका मानना है भाई, उनको अगर लेना है तो वो लेंगे, उनको अगर नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। अब 1000 वैकेंसी, जैसे उन्होंने बताया कि 1000 वैकेंसी है, अब मान लो जैसे कि मुझे अभी रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनके पास 10 से 15 हजार आवेदन गए होंगे या ईमेल गए होंगे। अब उनमें से हो सकता है आपका आवेदन ले, हो सकता है आपका आवेदन ना ले, आपको कोई रीजन बता दे, सर्टिफिकेट में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्टिफिकेट में ये लाल है, आपके इसमें ये गलती है, आपको उसमें ये गलती, ये करके वो आपको निकाल दे। तो ऐसा भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी है, उसके बारे में कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सोच कर, अपनी दिमाग से, शांति से आप ये काम करिएगा। आपको किसी भी प्रकार का ये लेकर मत चले कि नहीं मेरा तो 100% हो ही जाना है, ऐसा अगर आप सोच के जाएंगे किसी भी वैकेंसी में जाएंगे तो वहां पर आपको निराशा फिर लगेगी।